Assalamualaikum dear students of class 7th. Today we are going to discuss again about the transfer of heat. आज फिर से हम जो है transfer of heat के बारे में discuss करने जा रहे हैं. और कल हमने देखा कि solids में जो है जब two substances जो हैं वो contact में होते हैं और जो है transfer of heat जो है वो ज़्यादा होती है. तो solids की बात कल चली, आज हम जो है लिक्विड्स की बात भी करेंगे और गैसेस की बात भी करेंगे. लिक्विड्स और गैसेस में किस तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, तो यहाँ पे जो है ट्रांसफर ऑफ हीट होता है. यहाँ पे जो है आप देखते हैं आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास में वैकेंट पीरियड है. तो अब एक बच्चा जो है यहाँ पे बैठा है साइड में, उसके पास बॉल है और वो पहुंचाना चाहता है बी तक. जो बॉय ए है वो बॉय बी तक, या स्टूडेंट ए है वो स्टूडेंट बी तक बॉल पहुंचाना चाहता है. तो वो क्या करता है, वो दूसरे को पास करता है जो उसके पास में होता है, फिर वो तीसरे को पास करता है, चौथे को, पांचवे को, छठे को, सातवें को, आठवें, इस तरह से बॉल जो है पास होती है. ये एक तरीका है बॉल पहुंचाने का इधर से इधर. अब दूसरा तरीका जो है सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं कि ए को बी को बॉल देना है. अब वो किसको देता है, वो जो बीच में एक बच्चा है वो इसको देता है, बोलता है ये आप बी के पास पहुंचाओ, और वो जाके वो स्टूडेंट बी को बॉल देता है. ये हो गया दूसरा तरीका. अब तीसरा तरीका ये है कि ए और बी के दरमियान कोई भी नहीं है. अब ए बी को बॉल देना चाहता है, वो उसको किक मारेगा और किक या फेंकेगा इस तरह से, और सीधा जो है थ्रो करेगा बी के पास बॉल. तो ये तीन तरीके हैं. अब पहला तरीका जो है, पहले तरीके में जो है एक लड़का दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, पांचवा छठे को, इस तरह से बॉल पास होती है और वो पहुंच जाती है बी के पास, और इसको बोलते हैं कंडक्शन. ये हमने देखा ये किन में होता है, ये सॉलिड सब्सटेंस में होता है, जहां पे जो सब्सटेंसेस की सरफेस है ये एक दूसरे के साथ क्या हुआ टच में होती हैं. और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में जो ए बी को बॉल पहुंचाना चाहता है, तो ए जो है ए सपोज यहाँ पे एक बच्चा है उसका नाम सी है, तो उसको देता है, या ए ही मान लेते हैं दूसरा बच्चा है तो इसको देता है, और वो उठाकर ले जाता है देता है बी को. ठीक है, अब ये किस में होता है, इस तरह का जो ट्रांसफर ऑफ हीट हम समझ सकते हैं लिक्विड्स और गैसेस में होता है. ठीक है, और तीसरा तरीका जो है, अब तीसरे तरीके में ए जो है सीधा डायरेक्टली फेंक देता है बी के पास बॉल. अब ये बॉल जो है इसको हम मान लेंगे ये हीट है, ये क्या है, हीट एनर्जी है. और हीट एनर्जी दो तीन तरीकों से पहुंचती है. एक जो बॉडी होती है जहां से हीट निकलती है और उस बॉडी तक जिस तक हीट पहुंचती है, मिसाल के तौर पर तीसरे में हम एग्जाम्पल देंगे जो सन से बॉल आती है वो अर्थ तक पहुंच जाती है, सॉरी एन ये हीट एनर्जी, और बॉल को हमने मान लिया ये हीट एनर्जी है, और हीट एनर्जी डायरेक्ट सन से अर्थ तक पहुंच दे, इसको किसी जो है फरीक की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है. अब जो बीच में है, जो तीन लाइनों में आप देखते हैं बीच में, ये होता है मीडियम. क्या होता है, मीडियम. अब सन से जो है जो हीट एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है, ये ऊपर से वैक्यूम के जरिए से आती है, और यहां पे जो है कंटेक्ट में सब्सटेंस होते हैं पहले केस में, सेकंड केस में मीडियम होता है बीच में, या आयर होता है या वाटर होता है. ठीक, और नंबर थ्री में क्या होता है कि डायरेक्टली आती है हीट एनर्जी फ्रॉम सन टू अर्थ फॉर एग्जांपल. और इसमें क्या होता है, इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू सन से हीट एनर्जी डायरेक्ट आती है अर्थ पे,
हालांकि अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है ऊपर, वहां पे गैस होते हैं, लेकिन ऊपर से जब आती है हीट एनर्जी, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है, तो उस टाइम हमारे एटमॉस्फेयर और सन के दरमियान जो है वैक्यूम रहता है, बीच में बहुत फासला होता है, और जो है करोड़ों किलोमीटर का फासला होता है बीच में, और वहां से जो सन से हीट एनर्जी आती है, ये लाइट एनर्जी आती है, वो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करती है, और इसको बोलते हैं रेडिएशन। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आया होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे हम और कन्वेक्शन पे बात करेंगे।